नमस्कार। वैसे तो हम गर्मियों में कई तरह की सब्जियां बनाकर खाते हैं, लेकिन आज हम ऐसी स्वादिष्ट और फायदेमंद सब्जी बनाना बता रहे हैं जो देखने में तो अच्छी लगेगी और स्वाद में भी और सस्ते में भी बन जाएगी। और ये है किचन में हमेशा रहने वाली प्याज। ये करीब 250 ग्राम है, छोटे आकार की प्याज है। इसे बेबी प्याज या सांभर प्याज भी कहते हैं। वैसे बड़े प्याज में छोटी प्याज मिली रहती है, उसे भी निकाल कर ले सकते हैं। इसे इस तरह छील कर धो लेंगे और इसमें ये इस तरह से इसको छील कर धो लेना और इस तरह इसमें दो चीरे लगा देना है और इस तरह हमें सारी प्याज में कर लेना है। और अब इसके बाद लेंगे थोड़े कड़ी पत्ता, 5-6 लहसुन की कलियां, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 4 टमाटर और इस तरह थोड़ा हरा धनिया साफ करके धुला हुआ टमाटर पीस लें। हरी धनिया काट लेंगे और लहसुन अदरक हरी मिर्च भी काट लेंगे। और ये हैं पिसे हुए टमाटर, लहसुन अदरक हरी मिर्च हरा धनिया कटा हुआ। और इसके बाद सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें अंदाज से 1 या 2 चम्मच तेल डालकर गरम करें और इसे इस तरह फैला देंगे। और अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा तड़कने पर डालेंगे कड़ी पत्ता और अब डालेंगे लहसुन अदरक और इसके बाद इसे थोड़ा चलाना है। और इसके बाद डालना है कट्टी हरी मिर्च डाल देंगे और इसको चलाएं। प्याज में सोडियम पोटेशियम लोहा फॉलिक एसिड विटामिन ए विटामिन B6 ई और विटामिन सी होते हैं। इसमें फाइबर होता है। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। अब ये भुने जाने की खुशबू आने लगी है और अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच पिसा धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच नमक। इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा चलाकर भून लें। इसके बाद इसमें डालेंगे पिसे टमाटर और इन्हें अच्छी तरह चला लेंगे। प्याज से अस्थमा एलर्जी और डायबिटीज के ठीक होने में सहायता मिलती है। और अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी और पानी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे चला लें। थोड़ा उबाल आने पर इसमें डालेंगे प्याज। प्याज में चीरा इसलिए लगाते हैं जिससे टमाटर और मसाले का रस इसके अंदर चला जाए। अब इसे हम चला देंगे और इसमें अब उबाल आने लगा है तो आंच धीमी करके ढक्कन लगा दें और धीमा धीमा उबलने दें। करीब 5 मिनट बाद खोलें, चलाकर देखें। ये देखें, ये पक गई है प्याज। और यदि ना पकी हो तो थोड़ा और पका लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला और कटा हुआ 1/2 हरा धनिया, 1/2 हम बाद में डालेंगे। और ये देखिए, ये बनकर तैयार हो गई है। अब आंच बंद कर देंगे और अब ये बनने में आसान, गर्मियों के लिए बेहद फायदेमंद सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे। सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।